कटंगी सरकार को चूना लगा रहा ठेकेदार, 25 पैसे की पर्ची में रेत की कालाबाजारी, बिना सीमांकन के रेत खनन पर भड़के कलगांव के ग्रामीण। सरपंच को तो जानकारी नहीं है, गांव में सेंशन हुआ, सरपंच को पता ही नहीं है, कोई सरपंच की एनओसी कुछ नहीं लगी। ठीक है, अब मालूम हो गया ना, आप जो है सर परसों चले जाना। सर तो आप लोगों से बस वही राय लेना था, इसलिए तो हम लोग वो किए। आप जाने में आप चले जाओ, हम लोग भी कल कलगांव से दो गाड़ी, बांका से दो गाड़ी बैठो, कलेक्टर साहब के पास जाओ, तुम अपना जो भी स्टे का आवेदन लगाने लगाओ। पहले आप है उसके बाद सरकार से रेत खदान का व्यापारी अनुबंध करने के बाद ठेकेदार 25 पैसे के कागज को रॉयल्टी का रूप देकर रेत की कालाबाजारी कर रहा है। बालाघाट जिले की कटंगी तहसील में ठेकेदार की इस करतूत से सरकार को शुरुआती दो दिन में ही लाखों रुपए के राजस्व की क्षति होने का अनुमान है। दरअसल 30 मई 2020 को सरकार और ठेकेदार के बीच रेत खनन का व्यापारिक अनुबंध हुआ है। ठेकेदार ने अभी दो दिन पहले ही स्वीकृत रेत घाटों में बिना सीमांकन के रेत खनन का काम शुरू कर दिया है, जिसके बाद गांव में विरोध के स्वर उठने लगे हैं। ताजा मामला ग्राम कलगांव का है। यहां पर खसरा क्रमांक 185 में रकबा 2.500 में रेत घाट स्वीकृत हुआ है। क्या है आप? सरपंच महोदय। अच्छा सरपंच महोदय, बता क्या चल रहा है चंदन नंदी में इस वक्त? ये रेत खनन का काम चल रहा है जी अभी तो। कितने दिनों से? ये तो बहुत दिनों से चल रहा है, और आज ही तो 4 दिन हुआ, तो बहुत ज्यादा चल रहा है। अवैध खनन हो रहा है या उत्खनन हो रहा है? क्या अवैध खनन हो रहा है? अवैध खनन हो रहा है। तो आपने प्रशासन शिकायत की इस मामले में? शिकायत भी की है। क्या बोलते हैं प्रशासन के अधिकारी? आ जाएंगे, कल आएंगे, मोसाव नंबर को भी लगाओ, वो ले जाते हैं ट्रैक्टर और बाद में छोड़ देते हैं। आपका क्या कहना है, प्रशासनिक कार्रवाई के अनुसार छोड़ते हैं या कुछ पैसे लेके छोड़ते हैं? तब प्रशासन ही जाने के, अब उधर जाके वो कैसा कर रहे हैं। तो जब ट्रैक्टर चलेगा तो वो तो जाना चाहिए, तो रास्ता धोना चाहिए। अवैध उत्खनन से क्या परेशानी है आप लोगों को? परेशानी ये है कि जो हमारे किसानों की जमीन है वो तो नदी में कटा होके जा रही है। जो हमारा शमशान घाट है, जो मैयत आएगी उसके लिए हमारे पास तो फिर वो जमीन नहीं बचेगी शमशान मैयत जलाने के लिए। वो तो आप अभी देख ही रहे हो कि वो पूरा आधा कट गया है। प्रशासन उससे कोई, हम काम के लिए भी बोल रहे हैं, काम दे रही है, हम मटेरियल भी गिरा रहे हैं, प्रशासन को काम को रोक दी है अभी उसने। लेकिन अब तक सीमांकन नहीं हो पाया, जिस कारण यहाँ रेत लेने के लिए आने वाले ट्रैक्टर गाँव के किसानों की निजी भूमि से रेत खनन कर रहे हैं। आज जब किसानों ने अपने निजी भूमि की हालत देखी तो उनका गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद गांव के लोगों ने रेत परिवहन करने के लिए पहुंचे 4 ट्रैक्टर को पकड़ लिया और प्रशासन को जानकारी दी। करीब 11:30 बजे तहसीलदार शैलेंद्र कुमार राय एवं थाना प्रभारी कमल निगवाल हमराहा स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे, जिन्होंने ग्रामीणों को सोमवार के दिन सीमांकन करने का आश्वासन दिया। कटंगी से सुप्रीम पावर न्यूज के लिए कन्हैया शर्मा की रिपोर्ट। सभी लोगों का प्लाट अब वो हमारे पे आ गई है भाई। अरे क्या आ गई हमारे पर? हम ये बोल रहे हैं कटाओ दे छोटू, सुन तो ले, सीमांकन हो जाएगा। हो सकता है कि वो जो नक्शा है वो उधर का भी हो, तुम्हारे खेत के नीचे भी चला जाए, लेकिन हम तो अभी इस चीज का विवाद कर रहे कि अभी सीमांकन ही नहीं हुआ है, हम तो जाने ही नहीं देंगे। तो भाई वो तो सरकार का काम है, नहीं सरकार को अगर रेवेन्यू चाहिए तो तरीका निकाले, वो अलग चीज है। हमारी जो जमीन है हमको मालूम है ना सर, हमारी जो जमीन हमको मालूम। अरे जब तुम्हारी जमीन बाहर निकल जाएगी तो वहाँ से नहीं जाएगा, बकवास कर रहे हो बार बार। नहीं सर, पर वो नहीं ले जाना था उन लोगों को, उनको मुनारा लग जाएगा, मुनारा के बाद ले जाता तो बताना। ये मतलब की बात की जा रहा है तुम लोग?